सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल जरियाल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में। गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6 और आजकल पहाड़ों में मक्की की गुड़ाई का काम चला हुआ है, तो मैं भी जा रहा हूं आज अपने खेतों में। मेरे घर वाले तो पहले ही चले गए हैं और मैं भी जा रहा हूँ अब खेत में मक्की की गुड़ाई करने, तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें और देखें कि हम कैसे मक्कियों की गुड़ाई करते हैं। दोस्तों, आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ बादल से है, बाज आसमान में मौसम साफ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश आ जाएगी, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे हम काम कर ही लेंगे खेत में। तो आइए आप भी मेरे साथ बने रहिए मेरी इस वीडियो में। गाइज, पहाड़ों में खेतों का आकार बहुत छोटा होता है, कुछ इस प्रकार के खेत होते हैं। देखिए कितनी अच्छी मक्कियों की फसल हुई है इस बार। गाइज, यहाँ पर मम्मी पापा और भाई काम कर रहे हैं, मेरी भतीजी शन्नू पूरे नज़ारे ले रही है आज। हाँ जी चाचू, आप काम नहीं कर रहे हो? आचू सबको नमस्ते करो, नमस्ते करो सबको पहले। नमस्ते। कुछ इस प्रकार से हम गुड़ाई करते हैं मक्कियों की। मम्मी खीरा भी बाया इस बारी? हाँ जी आचू। गाइज, मक्कियों के साथ कुछ इस प्रकार का जो घास होता है इसे खरपतवार कहते हैं, ये मक्कियों के साथ ही उगता है, इसे निकालना पड़ता है। गाइज, दिन के 8 बज चुके हैं और हमने ये सारा खेत कंप्लीट कर लिया है। अब मम्मी भाई रेस्ट कर रहे हैं, पापा रेस्ट नहीं करते मेरे, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम सब में से ज़्यादा काम पापा करते हैं। कई बारी क्या होता है कि एक जगह बहुत सारी मक्खियाँ हो जाती हैं, तो उन्हें इस तरह से कुछ निकालनी पड़ती है, जैसे कि डैड निकाल रहे हैं। ये जब एक साथ कई जगह हो जाती हैं तो ऐसे निकाली जाती हैं, वो निकाल लेते हैं उन्हें। गाइस, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके कि हाथ में एक जादू है। वो एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है, जो कि राजस्थान से है, कृष्णा भाई जी। हम आज आपको उनके हाथ की जो कारीगरी है वो दिखाना चाहते हैं, तो आइए मिलवाते हैं हम आपको उस महान शख्स से। दोस्तों, ये रहे वो महान शख्स जिनके हाथ में कारीगरी है, आप लाइव वीडियो भी देख रहे हो।
दोस्तों ये दीवारों पर हाथ से टाइलें बना देते हैं, पेंटिंग आप जैसी मर्जी वैसी करवा लो। ये जो आपने काम देख आप ये काम जो देख रहे हो ये इन्होंने अपने हाथ से किया है, कोई जजमेंट नहीं मार सकता है कि टाइल है या पेंट है। दोस्तों अगर आप मैं से भी कोई इस तरह का पेंट करवाना चाहता है तो कृपया पेंटर साहब से संपर्क करें, इनका फोन नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तथा इनकी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी हम सब इंस्टाग्राम में दे देंगे आपको, तो आप इनसे संपर्क करिए। ये बहुत ही अच्छे कारीगर है, यही आकार नहीं यही आकृति नहीं, आप जैसी मर्जी वैसी बनवा लो, किसी के चित्र बनाना होगा तो भी ये बना ही देंगे क्योंकि हाथ की कारीगरी तो आप देख ही रहे हो। तो कृपया अगर आप में से कोई भी ये इस तरह की अपनी दीवारों पर पेंटिंग करना चाहता हो तो इनसे संपर्क करें। गाइस ये हमारे दूसरे कमरे की पेंटिंग है, ये देखिए आप, ऐसी पेंटिंग आपके कमरे को चार चांद लगा देगी। दोस्तों अभी जा रहा हूं मैं वापिस घर क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा खेतों का काम रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।